हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हो ना? तसल्ली से अच्छे से रहो अपने घर पे, ऐसे ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कारण क्या है, ठीक है? ऑल राइट, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और दो वीडियो मैक्स टू मैक्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, ठीक है? हो जाएगा अपना काम, इतने ही तो न्यूमेरिकल हैं और वैसे भी इजी लग रहे होंगे अगर आपने किए हैं तो। घर पे किए नहीं किए हैं, प्रैक्टिस करो बच्चों, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया हैं, ठीक है? कुछ एक एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा भी। चलो पहले न्यूमेरिकल से चालू करते हैं आज। ऑल राइट, देखिए जो वैसे भी हमेशा की तरह आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा वहां पर। पहला न्यूमेरिकल जो मेरे को दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर, जो आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन दी हुई है V की, V बराबर 50 साइन 157 टी प्लस 5। ये वी दिया हुआ है, वोल्ट में है। तो ज्ञात कीजिए, पहला जो बोल रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, आपको क्या ज्ञात करना है? वी आर एम एस। क्वेश्चन मार्क। और दूसरा ज्ञात करना है प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, ठीक है? चलिए ये कैसे निकालेंगे वी आर एम एस? वी आर एम एस निकालने के लिए अपन बोलेंगे ये होगा वी एम डिवाइडेड बाय रूट टू, है ना? और एफ निकालेंगे ओमेगा से। तो पहले देख लेते हैं कि इस ये जो चीज हमें दी हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, तो इस चीज को अगर मैं लिखूं तो मेरे लिए रफ वर्क के अंदर ये कुछ ऐसा है, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मेरा रफ वर्क हो गया जिससे मैं इस इक्वेशन को पहचान सकता हूं। अगर मैं ये पहचान रहा हूं तो मेरे को ये पता चल रहा है कि वी एम की जगह तो 50 आ रहा है। तो हमने लिखा कि सॉल्यूशन के अंदर Vm का मान जो है वो 50 वोल्ट है। तो इसके पहले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Vrms बराबर Vm बटा रूट दो, तो मैं इसे लिखूँगा 50 बटा अंडर रूट दो और वोल्ट लगा देते हैं मात्रक में, ठीक है? हो गया, आप कैलकुलेशन आगे करना चाहें तो ये आपके ऊपर है, ठीक। ऑल राइट, फिर आवृत्ति चाहिए तो मैं जब कंपेयर करता हूँ तो ओमेगा टी की जगह आ रहा है, देखो ये ओमेगा टी है ना, इसकी जगह आ रहा है 157 टी। आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए तो अपन ने वही काम किया है अभी। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि ओमेगा बराबर आ रहा है 157 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का मात्रक यही होता है, तो फिर इसे हम लिखेंगे 2 पाई एफ बराबर 157। 157 को लिखा जा सकता है 314 में, बच्चों 2 का भाग लगाओ, 157 क्या है 314 बटे 2 करके देख लीजिएगा, 157 ही आएगा, ठीक। तो फिर मैं अगर इस चीज को लिखूं तो एफ बराबर हो जाएगा, 314 को क्या लिख सकते हैं 3.14 गुणा 100, पता चल रहा है इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बटे 2 तो नीचे था ही, डन। और इस 2 पाई का और भाग लग जाएगा, तो यहां पर 2 और पाई, मेरे हिसाब से पाई से तो ये कट जाएगा 3.14, और 2 गुणा 2 4 होता है, और 4 को इससे काटोगे तो कितना आएगा 25। आंसर 25 हर्ट्ज, मात्रक यही होता है क्या? आवृत्ति का मात्रक यही होता है ना? तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये पहले सवाल का पैटर्न था, बेसिक सवाल है बच्चों, ये बहुत ही इजी है और बेसिक है, इस तरीके के सवाल पूछे भी जाते हैं। ऑल राइट, अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी समय स्मॉल टी पर ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का आधा और फिर अगला दिया हुआ है रूट 3/2 गुना होगा।
किसी समय नहीं किस समय है, मैं बोलने में गलती कर गया हूँ। तो आपको स्मॉल टी का मान ज्ञात करना है, जब जो धारा है ना, उसका जो अधिकतम मान शिखर मान का वो क्या है, आधा है। तो ये कुछ ऐसा है बच्चों, देखिए अगर मैं पहला सवाल देखूं तो ये बोल रहा है कि जो धारा है वो अपने शिखर मान, शिखर मान मतलब आई नॉट या फिर आई एम लिख लो आप, हम यही लिखते हुए आए आई एम, इसकी क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला केस है। तो आई की इक्वेशन हमें पता है क्या भाई, आई एम साइन ओमेगा टी बराबर आई एम बटा दो, आई एम से आई एम कैंसिल बच्चों, साइन ओमेगा टी बराबर एक बटा दो। अब साइन में आपको वो मान देखना है जिसमें साइन का मान एक बटा दो होता है। देखो भाई कौन सा भाई, देखिए तो साइन जीरो का मान बच्चों जीरो ही होता है और साइन तीस का मान जो है वो एक बटा दो होता है। साइन तीस को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं बच्चों तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, साइन ओमेगा टी बराबर साइन तीस, और तीस की जगह शायद पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, पाई मतलब 180 कोण में, 180 में छह का भाग लगाओगे तो तीस ही आएगा। ठीक है, तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, ओमेगा टी बराबर पाई बाई सिक्स प्राप्त हुआ। और ओमेगा मैं आपको बता चुका हूं क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, 2πf या फिर 2π बटा कैपिटल टी, जहां कैपिटल टी क्या है, आवर्त काल है, इंटू स्मॉल टी बराबर में क्या आएगा बच्चों, पाई बाई सिक्स आएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, ये दो इससे नीचे जाके गुणा होगा तो हो जाएगा 12 और कैपिटल टी इधर चला जाएगा, ये आएगा। इतने समय पर धारा जो है वो अपने मूल मान की या अधिकतम मान की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कैपिटल टी बाई 12 सेकंड पर। अब कैपिटल टी अगर आवर्तकाल का मान सवाल में दिया हुआ होता तो हम इसे आगे भी सॉल्व करते, लेकिन आवर्तकाल का मान दिया हुआ है नहीं तो इतने में आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखिए इसमें और क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रूट 3/2 गुना भी। ठीक है, तो इसका दूसरा केस अगर हम पढ़ें, मेरे हिसाब से तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करना है, है ना। चलिए तो दूसरे सवाल का दूसरा भाग, आई का मान जो है वो अपने अधिकतम मान का कितना होना चाहिए, रूट 3/2 गुना होना चाहिए। आई क्या लिखा जाएगा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यही बराबर में क्या बच्चों, आई एम इंटू रूट 3/2 आई एम से आई एम कैंसिल, साइन वापस से तुलना करेंगे ना, तो पहले मान देखो रूट 3/2 साइन 60 का मान है बच्चों, है ना, और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 60 को देखो कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पाई का 180, 180 में 3 का भाग लगाओगे तो 60 आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तुलना करने पर ओमेगा टी बराबर क्या बच्चों, पाई बाई 3। ठीक है, ओमेगा का मान कितना, 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी बराबर क्या, पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा गुणा होने पर। ठीक है, और ये कैपिटल टी यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा कैपिटल टी बटा 6 स्मॉल टी का मान, पता चला कितना आ रहा है, कैपिटल टी बाई 6 आ रहा है, समझ में आया, बहुत सिंपल सा है कैलकुलेशन, अगर आपको पता है मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत पता है, सवाल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सवाल देखें, देखो तीसरा सवाल
10 ओम का एक प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। आरएल परिपथ है बच्चों। डायग्राम बनाने से चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाती है, मैं ये मानता हूं। तो तीसरा सवाल, 10 ओम का एक प्रतिरोध, शायद 10 ओम ही दिया हुआ है, और 100 मिली हेनरी के एक कुंडली कौन से क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और बोल रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत 100 कोस ओमेगा टी। देखो ये जो सवाल है ना, इसमें थोड़ी सी एक गलती है। गलती का मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं एक तरीके से। कितना दिया हुआ है? वी बराबर 100 कोस 100 टी लिख लीजिएगा, वो जो ओमेगा है ना उसकी जगह आप 100 कर लीजिएगा। टी से जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर, धारा और वोल्टता के बीच में आपको कालांतर फाई ज्ञात करना है। आरएल परिपथ है, एल मतलब धारा, पश्चगामी होगी ये हमें पता है ना। फाई कोण पश्चगामी, वो फाई कोण ही हमें ज्ञात करना है। अगर मैं इसमें देखूं बच्चों, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूं तो ये ओमेगा का मान, क्यों? क्योंकि इसका लिखा जाएगा Vm cos ओमेगा t, ऐसा लिख सकता हूं। यहाँ पे साइन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोस भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओमेगा की जगह तो 100 आ रहा है, फिक्स मान है, ठीक। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चल रहा है कि आवृत्ति जो है वो कोणीय आवृत्ति, वो है 100 रेडियन पर सेकेंड, ये फिक्स है। और Vm का मान 100 वोल्ट है। अब R का मान ये रहा, L का मान ये रहा। अगर मैं RL परिपथ को समझता हूँ और मैं इसके लिए काम करता हूँ, तो मैं प्रतिरोध को ऐसा दर्शाऊंगा इस डायरेक्शन में, आपको वो प्रतिबाधा वक्र पता चल जाना चाहिए, है ना। और L के लिए XL ऊपर की ओर आएगा, ठीक। इन दोनों का परिणाम ही क्या, Z, ऐसा ये Z, और Z और R में ये जो कोण होता है बच्चों, ये कोण क्या है? फाई है, ऐसा ही है। और कोस फाई या फिर टेन फाई, जिससे भी आप निकालना चाहे उससे काम कर सकते हैं। चलो टेन फाई लें, क्योंकि कालांतर में अपन ने टेन से ही काम किया है, उसके बाद में अपन फाई निकालते हैं। तो मैं यहां पर अगर टेन फाई लिखता हूं, तो टेन फाई बराबर क्या होता है बच्चों? आंसर है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये लंब एक्सएल बटा आधार, यही होगा एक्सएल ओमेगा एल बटा आधार क्या, कैपिटल आर। बताओ सारी चीजें है नहीं, ओमेगा का मान दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, टेन फाई निकलेगा नहीं निकलेगा, ओमेगा का मान 100, एल का मान 100 मिली हेनरी 10 की घात -3 बटे आर का मान 10, चलो 10 से 10, 100 और 10, 10 की घात 3 और ये 10 की घात -3, 10 की घात 3 और 10 की घात -3 मिलकर के बनाएंगे एक, कट जाएगा ये, तो 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मान 1, tan phi बराबर क्या बच्चों? एक। अगर tan phi बराबर एक है तो phi का मान 45 डिग्री हुआ नहीं हुआ? अरे 45 डिग्री होगा नहीं होगा, जिसे क्या लिखेंगे? pi by 4 लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक था भाई, tan के अंदर एक मान तो 45 डिग्री पे ही होता है, इसलिए आंसर आ गया। रेडियन लगा दीजिएगा, मैंने लगाया नहीं, मात्रक किस में आएगा? pi by 4 रेडियन। ऑलराइट, चलिए इजी सवाल था, बस आपको समझना है कि काम कैसे होगा, ठीक है। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन देखें, सभी पढ़ें एक बार के लिए, ये समझ में आया होगा, इजी सवाल है बहुत। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखें, 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की
प्रत्यावर्ती धारा के लिए 100 मिली हेनरी के प्रेरकत्व का प्रतिघात ज्ञात कीजिए। देखो आवृत्ति दे रखी है, एल का मान दिया हुआ है, प्रतिघात तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम काम करें तो बोल रहा है कि आवृत्ति बराबर 1 किलो हर्ट्ज, मतलब 10^3 हर्ट्ज, ठीक। और एल का मान कितना दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, 100 मिली हेनरी। तो फिर प्रतिघात कितना होगा, XL बराबर ओमेगा L, है ना। ओमेगा क्या होता है, 2πf(L), दो ऐसा का ऐसा, पाई आप मान रखना चाहें तो रख दीजिएगा, चलो 3.14 रख देता हूँ मैं। एफ का मान 10^3 और L का मान 100 × 10^-3, ये तो कैंसिल हो गया, इसको इससे गुणा करो 314, और 314 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 628 आएगा। और मात्रक क्या, ओम, क्योंकि प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध सभी का मात्रक क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये आ गया, अब क्या बोल रहा है आगे, यदि स्रोत की वोल्टता 6.28 वोल्ट, देखो इस तरीके से जब भी वोल्टता दी हुई होती है, है ना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ होता है कि किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का मान 100 वोल्ट है, तो वो ध्यान में रखना वो जो दिया हुआ है वो VRMS है। क्या है बच्चों, VRMS, कभी भी शिखर मान नहीं दिया हुआ होगा, वो हमेशा आपको RMS मान ही दिया हुआ होगा। शिखर मान देने के लिए या तो वो बोलेगा कि ये शिखर मान है, अदरवाइज इक्वेशन देगा और इक्वेशन से आपको शिखर मान निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा दे रखा है, सीधा सीधा वोल्टेज दे रखा है, तो समझ लीजिए वो हमेशा RMS मान को ही देगा, ठीक है। तो ये जो 6.28 वोल्ट है ये क्या है, शिखर मान है या RMS मान है, ध्यान में रखना है RMS मान है, वर्ग माध्य मूल मान है। हो तो प्रेरकत्व में धारा का मान ज्ञात कीजिए, बहुत इजी हो गया। प्रेरकत्व में धारा फिर कौन सी निकालोगे, IRMS से निकालोगे, क्यों, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या है, VRMS बटा क्या हो जाएगा इस बार, XL होगा, सीधा सा लॉजिक है, है ना। चलिए VRMS है 6.28, ठीक, और उसमें भाग किसका, 628 का, अरे सवाल में 6.28 ही दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 628 × 10^-2 बटे 628, है ना, 628 × 10^-2 लिख सकते हैं उस चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, 10^-2, मात्र क्या आएगा, एम्पियर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आंसर होगा 10^-2 एम्पियर। पांचवा सवाल देखें बच्चों, सवाल दिखाई दे रहा होगा, अरे इजी है ना ये, अरे बच्चों वी में आर का भाग लगाते हैं, यहाँ पे आर की जगह कौन है, एक्सेल है, और तो क्या भाई, देखिए आगे वाला सवाल पांचवा, एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है, बहुत अच्छा भाई, एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी, बहुत बढ़िया। किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात, किस आवृत्ति पर, मतलब आवृत्ति क्वेश्चन मार्क है, इसका प्रतिघात 3140 हो जाएगा। एक्सएल का मान 3140 ओम होने के लिए आपको क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfL, यही तो एक्सएल है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल में किसका भाग, 2π और एल का, एक्सएल का मान कितना, 3140 बटा 2, पाई का मान 3.14 और एल का मान 1। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3.14 × 1000, बताओ कि लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, और इसमें भाग किसका लगेगा, 2 × 3.14 का, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कैंसिल, इसको इससे काटोगे कितना आएगा, 500 मात्रक हर्ट्ज, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे देखो, एक संधारित्र की धारिता क्या होगी, सी क्वेश्चन मार्क इसी सवाल में होनी चाहिए, कि उसी आवृत्ति पर, मतलब इस आवृत्ति पर
उसका प्रतिघात भी उतना ही हो। एक्सएल का मान किसके बराबर हो? एक्ससी के बराबर हो, है ना। तो क्वेश्चन तो ये है कि एक्ससी का मान एक्सएल के बराबर, मतलब एक्ससी बराबर 3140 ही होना चाहिए, इसका दूसरा भाग। लेकिन एक्ससी का फॉर्मूला चेंज है। क्या होता है बच्चों एक्ससी का फॉर्मूला? 1/ωc होता है, बराबर 3140। हमें तो सी निकालना है, तो सी को इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर आओ। तो 1/ωc × 3140 बराबर क्या होगा? सी होगा। ओमेगा बराबर 2πf, एफ मतलब 500 गुणा 3140। पता चल गई क्या कैलकुलेशन? देवताओं करनी है आपको ही पड़ेगी, ठीक। जो भी आएगा वो मात्रक किस में आएगा? फैराड में कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आगे आने वाली कैलकुलेशन के लिए आज मैं फ़ोन लेकर के आया हूँ तो उससे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली कैलकुलेशन जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं इसका कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, चलिए छठा सवाल सभी पढ़ें एक बार के लिए। ये सिंपल था, इजी था, वहाँ तक सवाल पूछा भी जा सकता है ना। हाँ भाई, प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? आज जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको लिखना है, बताना है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। हाँ भाई, क्या बोल रहा है वो देखिए। ये सवाल कुछ ऐसा है कि एक 120 हेनरी का, नहीं ये गलत होना चाहिए ना, 120 हेनरी का संधारित्र तो हो ही नहीं सकता। संधारित्र की आवृत्ति क्या होती है बच्चों? किसमें? ये संधारित्र जो है वो तो उसमें होगा, फैराड में होगा, और 120 फैराड बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को, अगर मैं सही करूँ तो ये होना चाहिए 120 माइक्रोफैराड, है ना। 120 मात्रक जो है वो माइक्रोफैराड कर लीजिए। 120 माइक्रोफैराड का संधारित्र 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़ा हुआ है। संधारित्र के लिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज, और उस संधारित्र का मान, उसकी धारिता का मान 120 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये ध्यान में रखें। अब क्या बोल रहा है? इसकी धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। इजी है बच्चों, एक्स ही होता है धारितीय प्रतिघात, और उसका फॉर्मूला है 1/ωc, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2πfc। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, है ना। चलिए मान देखता हूँ मैं, 1/2ππ, इसमें तो कटता हुआ भी नहीं दिख रहा, एफ 50, ठीक है, और सी 120, यही है। चलिए और कुछ, ये जो सी है इसके साथ में है माइक्रो, मतलब 10^-6। 2 को 50 से गुणा करेंगे 100, और 100 को मैं इससे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 314 गुणा 120, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10^+6। ये माइनस का 6 है, ऊपर जाते प्लस का 6 हो जाएगा। ये एक्ससी का मान है, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10^5 और नीचे 314 × 12, ठीक है। 10^5 कितना हो गया भाई? 1,00,000, है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 5। इसमें भाग लगाएं किसका? 314 का, और इसमें भाग और किसका लगाएं? 12 का। तो ये आ रहा है आंसर, एक्ससी का जो मान 26.53, ठीक है, ये एक्ससी का मान है। यही सवाल में पूछा है तो हमने निकाल दिया 26.53। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 5 MHz कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? 5 MHz कर दी जाए, तो प्रतिघात में क्या परिवर्तन आएगा? भाई बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्ससी जो है, समझिए इस चीज को, एक्ससी जो है वो आवृत्ति के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं अगर इस पहले केस में इस आवृत्ति को f1 लिख देता हूं, ठीक, तो ये xc1 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो xc1 का मान मेरे पास नहीं आया।
अब वो बोल रहा है कि यदि आवृत्ति को, मतलब सेकंड केस की बात की जाए, F2 जो है वो क्या हो जानी चाहिए, 5 मेगाहर्ट्ज हो जानी चाहिए, तो फिर प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, XC2 लिख दो। आप गौर कीजिए, अगर मैं XC1, समझना इस चीज को, XC2 बटा XC1 करूं, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 πF2C, चलो रखो 1/2 πF2C। फिर XC1 का मान देखो नीचे रखेंगे, XC1 का मान कितना, 1/ मतलब ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही होगा, 2πC से 2πC कैंसिल, तो हमें ये पता चलेगा कि XC2 बटा XC1 बराबर हो जाएगा F1 बटा क्या बच्चों, F2। चलिए XC2, XC2 का मान कितना, XC2 अभी जो निकाला अपन, सॉरी निकालना है, XC1 का मान कितना, 26.53 बराबर, F1 का मान कितना, 50, F2 का मान कितना, 5 मेगाहर्ट्ज़, 5×10^6 मल्टीप्लाई कर दो, XC2 बराबर हो जाएगा 50, इसको तो काट दो 10 आएगा, और ये 10^5 कितना हो गया, माइनस का 5 जाएगा, 10^5 माइनस का 5 गुणा क्या, 26.53 इतना हो जाएगा, बहुत कम। वैसे भी सभी को पता है आवृत्ति को बढ़ाओगे तो प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात घट जाता है, ये सभी को पता है, यही ये तो हो रहा है, आवृत्ति को आपने बहुत बढ़ा दिया, 10^5 आवृत्ति को बढ़ाया तो 10^5 आवृत्ति घट भी जाना चाहिए कुछ इतना, 10^-5 से गुणा हो गई, ठीक ऑलराइट, तो ये हो जाएगा काम। अगला देखिए सातवां सवाल, तसल्ली से पता चला, ये सिंपल सा था, हाँ भाई सातवां सवाल देखें, एक कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है, एक कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम तथा स्वप्रेरकत्व जो है वो 0.4 हेनरी है, या प्रेरकत्व जो भी दिया हुआ है, इसे 6.5 वोल्ट, अभी आरएमएस मान है, सीधा सीधा दिया हुआ है, इसे 6.5 वोल्ट तथा 30/π हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। चलिए काम करूं, 6.5 वोल्ट का वोल्टेज स्रोत है वीआरएमएस, ठीक है, और आवृत्ति कितनी, 30/π हर्ट्ज, ऐसा ही है या पाई बटे 30 है, 30/π है, परिपथ में औसत शक्ति वह ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, देखो औसत शक्ति से क्या होता है, पी आर एम एस, औसत तो ये नहीं हुआ भाई, औसत तो पीएम लिखूं मैं, माध्य क्या होता है, 1/2 वीएम आईएम कोस फाइ, एक तो ये, दूसरा क्या, वी आर एम एस आई आर एम एस कोसफाई, डन, यही चीज है। चलिए अब मैं समझता हूँ, वीआरएमएस का मान सीधा सीधा दिया हुआ है, मेरे को क्या निकालना है, आईआरएमएस, आईआरएमएस कैसे निकालूंगा, तो मेरे को परिपथ पता होना चाहिए, परिपथ आरएल परिपथ है, तो फिर आरएल परिपथ के लिए आईआरएमएस क्या लिखूंगा, वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग लगाऊं, प्रतिरोध क्या होता है आरएल परिपथ में, प्रतिबाधा होती है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समझना, वीआरएमएस इसको क्या लिखूंगा, वोल्टेज वी आर एम एस में किसका भाग लगाऊं, जेड का, क्योंकि इसमें तो जेड ही होता है, पता चला, कोस फाई, व्हाट इज कोस फाई, देखो याद करो, रिकॉल करो, आर एल परिपथ अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये इस तरफ आर होता है, इस तरफ एक्स एल होता है, ऐसा करके निकालते हैं तो इस तरफ जेड आता है, ऐसा ही तो आता है, और यहां पर क्या है, फाई है, और कोस फाई चाहिए, आधार बटा कर्ण, आधार कर्ण, आधार कर्ण, आधार क्या, आर, और कर्ण क्या,
जेड। पता चल गया क्या फॉर्मूला? पता चला ये, चलो मैं मिटाता नहीं हूँ। तो वी आर एम एस है, ठीक है, जेड का मान निकाल लेंगे, आर एल और एफ है, जेड का मान निकलेगा निकलेगा, फिर आर अपॉन जेड हो गया ये तो सवाल, बताओ। चलिए मैं जेड निकाल देता हूँ, जेड क्या होगा, अंडर रूट, ये जेड स्क्वायर ही निकाल लेते हैं ना, अंडर रूट काहे को करवा रहे हो, जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये तो होगा आर स्क्वायर, या फिर एक्सएल के स्क्वायर को एक बार और समझ लेते हैं, ये होगा टू पाई एफ एल का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस टू पाई एफ, एफ का मान देखें 30 बटा पाई, और एल, एल का मान कितना 0.4, और इसका क्या स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। चलो और कोई चीज़, ये 3×4 हो जाएगा, ठीक है, 12 और 12×24, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो है 100, और ये है 24 का स्क्वायर। अरे भाई बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 मेरे हिसाब से, तो है ना, तो ये हो जाएगा कितना 676, ये z का स्क्वायर है, आ गया। तो अपन ने लिख लिया, हमें पता है सॉल्यूशन, ठीक है, आप यहाँ से ही चालू करेंगे, ये और फिर ये तीनों लाइन यहाँ पर लिखोगे, और अब मैं काम कर रहा हूँ, P बराबर हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस मतलब 6.5×6.5, ठीक है, बटे जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मान कितना 676 गुणा आर, आर का मान कितना 10, हो गया क्या, इतना ही होगा, मात्रक क्या लगाओगे, वाट, लास्ट है मेरे हिसाब से, इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सातवां सवाल इजी था, बस आपको फॉर्मेट समझना है, और जो डेटा दिया हुआ है उसी से ही काम करना है, वैसे भी न्यूमेरिकल में यही करना होता है, जो डेटा दिया हुआ है वो सोचना होता है कि उसको हम कहाँ यूटिलाइज करें, ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेटा कहाँ पुट करना है, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना, सातवां हो चुका है, आठवें सवाल की ओर रुख करते हैं, डन है, मिटा दूँ इसको, कैलकुलेशन आपके पास में है ना, कर लोगे आसानी से। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि एक 60 वोल्ट तथा 10 वाट का बल्ब 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। अब समझने लायक बात है ये, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली भी जोड़ी गई है। चलो थोड़ा सा समझो, बल्ब प्रतिरोध, और इसके श्रेणी क्रम में एक कुंडली, प्रेरक कुंडली, और ये वोल्टा स्रोत है ना, ऐसा कुछ है। अब ये थोड़ा सा समझिए कि ये लेट सपोज करो V जो दिया हुआ है वो RMS मान है या VM है, जैसा भी दिया हुआ है, ठीक, तो जिस हिसाब से भी दिया हुआ होगा वैसे काम करना पड़ेगा, और तो क्या है। अब क्या बोल रहा है वो, 60 वोल्ट और 10 वाट का बल्ब, तो इसके लिए अगर मैं पावर देखूं तो P रेजिस्टेंस पर पावर है 10 वाट, और वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर VMR जिसे हम लिखते हैं, आप RMS मान में चले जाइएगा तो मैं इसे VR ही लिख देता हूं एक बार के लिए, कि VR का मान कितना है 60 वोल्ट, ठीक है, RMS मान में ही है। फिर क्या होगा, श्रेणी क्रम में ये जोड़ दिया, यदि बल्ब पूर्ण तीव्रता से प्रकाशित हो रहा है, बल्ब जो है वो पूरा प्रकाशित हो रहा है, मतलब पूरी धारा जा रही है उसमें, तो कुंडली में प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए, इसका L कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है, किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा, तो RL परिपथ हो गया, ये बात ध्यान में रखना,
पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, आरएल परिपथ के अंदर काम कैसे किया जाएगा तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके सिरों पर वीआर लिख दूँ तो मैं फिर इसके सिरों पर वीएल लिख दूँ, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास में ये है कि जो परिणामी वोल्टता होती है वी एम का स्क्वायर या वी एम आर एल का स्क्वायर, वो होता है वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी एम एल का स्क्वायर। ये का ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप आरएमएस में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला केस, इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, मेरे को वी एम एल पता चल जाएगा क्योंकि वी एम आर एल ये दिया हुआ है, वी आर एम एस कितना, वी आर एम एस दिया हुआ है अभी कितने वोल्टेज सोर्स में, 100 वोल्ट। ये क्या है वी एम आर एल, सॉरी आर एम एस मान के चल रहे हैं तो वी आर एल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो वी आर एल का मान ये दिया हुआ है 100, वी एम आर की जगह मैं वी आर लिखूंगा वो है 60, बताओ भाई वी एम एल की जगह मैं वी एल लिखूंगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, आर एम एस मान निकल जाएगा। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ वी आर एल का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वी एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो होगा वी आर एल का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, बताओ होगा नहीं होगा, ये उठा करके इधर ले आओ, ऐसा ही होगा। ये कितना 100 का स्क्वायर है माइनस 60 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 100 प्लस 60, ए माइनस बी 100 माइनस 60 160 गुणा 40 ये वी एल का स्क्वायर है। ठीक है, फिर वी एल कितना आ जाएगा, आंसर है अंडर रूट करो तो ये 16 गुणा 4 गुणा 100 लिख सकता हूँ मैं, 0 यहाँ पर भी है 0 यहाँ पर भी है तो 100 निकाल लिया, 16 का निकलेगा बाहर 4, 4 का बाहर निकलेगा 2 और इसका निकलेगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 80 वोल्ट पता चल गया कुंडली के सिरों पर विभव पतन। अब देखो अगर मैं कुंडली के सिरों पर क्या निकाल लेता हूँ, धारा निकाल लेता हूँ कि धारा कितनी जारी होगी, धारा जो इससे गुजर रही है वही इससे गुजरेगी, एक ही धारा गुजरेगी। ठीक, तो अपन ने बोला परिपथ में धारा आई आर एम एस क्या होगा, देखो पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं, यही होता है। ठीक, चलिए तो मैं यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो उसका पावर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, बराबर में V का मान कितना दिया हुआ है, ओके मैं गलत लिख रहा हूँ, पावर दिया हुआ है 10, V का मान दिया हुआ है 60, धारा का मान कितना हो जाएगा जो भी है वो आ जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा 10/60। I का मान आ गया, V का मान आ गया, बताओ भाई एक्सेल निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए तो हमने लिखा XL बराबर क्या होगा, VL बटा I, यही होगा, वी एल का मान कितना 80 बटा आई कितना 1/6, कितना ऊपर लेकर के जाओ, आर्चिंग 4800, ये किसका मान आ गया बच्चों, एक्सएल का मान आ चुका है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, कुंडली के प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए, ये लो भाई प्रेरकत्व के लिए एक्सेल चाहिए था वो मैंने निकाल दिया। अब रामायण का हाट की इसको मैं लिखूंगा 2πfL बराबर में क्या बच्चों 480। दिक्कत ये है कि एफ का मान दिया हुआ होना चाहिए, आप देखोगे सवाल में दिया हुआ है 60 हर्ट्ज एफ का मान दिया हुआ, बताओ एल निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा 2πfL का भाग लगा देना, देवताओं कर लोगे, ठीक है हो जाएगा। पता चला लॉजिक, पता चला कैसे है, कई बच्चे क्या करेंगे सर यहाँ पे 100 दिया हुआ है 60 ये खा गया तो 40 लिख दो इसका, नहीं बच्चों प्रत्यावर्ती परिपथ है ये, डीसी होता तो क्या होता 100 देते 60 ये खा रहा है तो 40 आ जाता है ना, यहाँ पे अगर बैटरी लगी हुई होती तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे 40 वोल्ट लिख देते, लेकिन यहाँ बैटरी नहीं लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है, तो अगर ये 60 खा रहा है तो फिर फॉर्मेट तो यही यूज करोगे आप जो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तो इस तरह ये थोड़ा बस ये थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखना, ये लॉजिक ही है और तो सवाल इजी था, हो गया। चलिए
हो गया ये। चलिए आगे देखें, नौवे सवाल में वो बोल रहा है VRMS बराबर 120 वोल्ट, F बराबर 60 हर्ट्ज। क्या बात है, बहुत सीधा सीधा दे दिया नौवा तो। VRMS बराबर 120 वोल्ट और आवृत्ति बराबर 60 हर्ट्ज। क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती स्रोत L बराबर कितना दिया हुआ है, 200 मिली हेनरी। लिख लीजिए भाई, L बराबर 200 मिली मतलब 10 की घात माइनस 3 हेनरी। धारिता C बराबर कितना दिया हुआ है, 40 फैराडे, माइक्रोफेरेड है ना, 40 माइक्रोफेरेड। ये ध्यान में रखना बच्चों, 40 फैराड तो हो भी नहीं सकता है, 40 फैराड तो आ ही नहीं सकता हमारे पास में, 40 माइक्रो फैराड ही होगा। और प्रतिरोध का मान 20 ओम। ठीक है, अब देखो अभी ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुल प्रतिघात ज्ञात करो। RLC परिपथ है क्या, RLC कुल प्रतिघात, और प्रतिघात होगा X। एक्स क्या होगा, या तो XL माइनस XC होगा या फिर XC माइनस XL। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसा कुछ यूज करते हैं। तो फिर जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे, एक तो ये निकालना है। दूसरा क्या बोल रहा है वो, प्रतिबाधा होती है Z, है ना, ये क्वेश्चन मार्क। और Z क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, जिसे क्या लिखा जा रहा है, X लिखा जा रहा है, X का स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, उससे ये आएगा वो रख देंगे अपन, है ना। चलिए और क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक मतलब कोस फाई बराबर क्या होता है बच्चों, सभी को पता है R अपॉन Z होता है। तो R दिया हुआ है, Z निकाल लेंगे, शक्ति गुणांक आ जाएगा, मात्रक नहीं लगाएंगे। औसत शक्ति 1/2 ऊपर VRMS दिया हुआ है क्या, तो चलो VRMS वाला मान लिखो, VRMS IRMS cos phi, और IRMS क्या हो जाएगा, VRMS में Z का भाग लगाएंगे तो IRMS निकल जाएगा, है ना, और cos phi तो ऊपर से मिल ही जाएगा। बताओ भाई, एक निकाल लेंगे ना, सारे आना चालू हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले XL का मान निकालो, XL क्या हो जाएगा, 2πfL, 2π का मान 3.14, आवृत्ति का मान 60 और L का मान है 200 गुणा 10 की घात कितनी, -3। चलो -3 को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये देखो 3 0 डालो, खत्म किस्सा इसका। तो फिर 6 × 12, 12 × 24 गुणा हो रहा है किससे, 3.14 से, ये एक्सेल है। ठीक, XC देखो 1/ωc बराबर 1/2πfC, अरे यही होगा, 2π 3.14, आवृत्ति कितनी 60 और C का मान कितना 40 गुणा क्या, 10 की घात -6। चलो सॉल्व करते हैं, 10 की घात -6 ऊपर ले जाओगे, 10 की घात +6 नीचे देखो, 6 × 24 = 48 गुणा क्या, 3.14 ऐसा ही है। और फिर ये नीचे 100 लगा दो, 100 चलो ठीक है 100 लगा देता हूँ, 100 को इससे सॉल्व करूंगा तो ये क्या जाएगा, 10 की घात 4 आएगा और ये 100 जाता रहा बच्चों, हट गया अब ये 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, भाग लगाओ, इसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा, आएगा नहीं आएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मानों को मैं निकाल देता हूं और उसके बाद में लिख देता हूं, है ना। तो 24 × 3.14 ये तो आ रहा है 75.36, ये आ रहा है 75.36। फिर ये 10,000 हो गया बच्चों, 10,000,
और इसमें भाग लगाएं अपन किसका 48 का, और इसी में भाग लगाएं किसका 3.14 का, तो ये आ रहा है 66.34 एक्सी का मान ओम, ठीक है। ऑलमोस्ट आप 36 मान लो इसको, है ना, ये सिंपल हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेट करना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या करें। एक्स पहला सवाल कर रहे हैं ना, पहले सवाल के लिए ये सारी रामायण कर रहे थे पर। तो पहला सवाल एक्स बराबर एक्स एल माइनस एक्स ही होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एल का मान ज़्यादा दिख रहा है, वो दिख रहा है ना कितना 75.36 में से 66.36 कर दो, या फिर यहाँ पर 34 लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 में से 34 कटाओगे 0.02 आएगा, 75 में से 66, 4 इधर से 5 इधर से 9 गया, 9.02 ओम, जिसे मैं लगभग लिख सकता हूँ कितना 9 ओम। बताओ भाई प्रतिघात आ गया क्या, पहला सवाल सॉल्व हो गया, प्रतिघात हमारा सॉल्व हो चुका है बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ, ये तो आ ही गया, जब ये निकालो आंसर तो ऐसा कर दीजिएगा अगले को पता चलना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका मान 9 ओम आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं इसे मिटा सकूँ, है ना। भाई वीडियो बच्चों लगातार देखो, आप ऐसे बीच में छोड़ दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, और खैर आपकी मर्जी के ऊपर है, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं वो तो खैर आपके मन का राम, तो आप ही जाने कैसे काम करेगा। चलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का, सॉरी एक्स का स्क्वायर, यही तो था, आर का मान देखें, आर का मान है 20, तो ये हो जाएगा 20 का क्या स्क्वायर प्लस 9 का क्या स्क्वायर और उसका रूट। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, 481 भाई जेड कितना 22 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, इक्कीस पॉइंट नौ तीन ओम। ये Z का मान है जिसे मैं ऑलमोस्ट 22 लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट क्या है ये 22 ओम है, ठीक है। चलिए तो Z का मान आ गया cos phi। तीसरे नंबर का सवाल cos phi क्या होगा, R अपॉन Z, R का मान कितना 20 बटे क्या 22, काटो 2 से ये 10 बार, ये 11 बार 10 बटे 11 कर लेना भाई, ठीक है। शक्ति गुणांक बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास में, पावर है फोर्थ, है ना। तो पावर P बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो VRMS, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, VRMS IRMS cos phi, काम आपके ऊपर है। VRMS दिया हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखो VRMS 120। आई कैसे निकालेंगे भाई इस परिपथ में, RLC परिपथ में, तो मैं लिखूंगा VRMS में भाग लगा दो Z का, या फिर VM में भी Z का भाग लगा दे तो फिर IM आता, ठीक है। अब हमें IRMS निकालना है तो यहाँ पे VRMS होना चाहिए, और cos phi का मान कितना R अपॉन Z। बताओ ये सारे मान है नहीं है आपके पास, इतना कैलकुलेशन तो भले ही लास्ट में है कर लोगे आप, ठीक है, कर लेना इस चीज को। तो ये जो सवाल था आपका मेरे हिसाब से हो चुका है ना, नवा सवाल डन हो गया, पता चल गया किस तरीके से काम करना है, वैल्यू रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। और आज का जो लास्ट सवाल है, हाँ मात्रक लगा लीजिएगा, इसका मात्रक क्या लगाओगे, वाट, ठीक है। हाँ भाई दसवा सवाल देखें, एक प्रेरकत्व संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, ठीक बात है भाई, समझ गए आपकी जो बोलना चाहते हो। फिर क्या है वो देखो दसवें सवाल में, फिर
फिर बोल रहा है कि किस आवृत्ति पर परिपथ अनुनादित होगा। अनुनादित का मतलब क्या होगा भाई? एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलिए किस आवृत्ति पर, तो मैं लिख देता हूँ, ये वो आवृत्ति थी और ये वो फॉर्मूला था जिस पे कोई भी परिपथ क्या हो जाता है, आरएलसी परिपथ अनुनादित होता है। जो मान दिए हैं वो रखो और काम खत्म करो। टेंथ सवाल आज का अंतिम भाई, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आज, ठीक है। अंडर रूट एल सी, एल का मान देखो कितना दिया हुआ है, एल का मान 0.1 और सी का मान 20 माइक्रोफेरेड। मेरे हिसाब से आवृत्ति का मान किस में निकालोगे, हर्ट्ज में। 20 को इससे गुणा करोगे रूट दो रह जाएगा, अरे दो आएगा, और 10^-3 को बाहर निकालोगे तो सॉरी 10^-6 को बाहर निकालोगे तो 10^-3 और -3 ऊपर जाएगा 10^-3, तो ये हो जाएगा ऊपर कुछ ऐसा 10^-3 2π√2 हर्ट्ज। अब जिसको निकालना है वो निकाल लोगे, जो आवृत्ति आपको कैलकुलेट करनी है मेरे हिसाब से हो जाएगी, सब आप पे डिपेंड करता है और आप ही जाना चाहिए जो मान आपको निकालना है आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इतना करके छोड़ के आओगे तो भी कोई गलत नहीं निकाल सकता इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये 10 सवाल आपको अच्छे से समझ में आए, बाकी के 5 सवाल और एक आध उदाहरण हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। बच्चों आपको सिर्फ इतना कहूँगा, इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। आप जितना अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे, जो आप क्वेश्चन पुटअप करोगे मैं उनका क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा, बशर्ते कि आप वीडियो पढ़ें पूरा देखें, ठीक है। चलिए तो हैव अ गुड डे, टेक केयर, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा खाना खाओ, सब कुछ अच्छा ही होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।